21 जून को देश भर में योग दिवस मनाया जाएगा। इसे लेकर अंबाला के पुलिस लाइन ग्राउंड में रिहर्सल का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला मुखिया समेत कई अधिकारी, स्कूली छात्र व आम जनता भी मौजूद रही। योग प्रैक्टिस की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई, जिसमें उपायुक्त अंबाला जूते पहनकर दीप प्रज्वलित करते हुए दिखाई दिए। बता दें कि 21 जून को शहर स्थित पुलिस लाइन ग्राउंड में जिला स्तरीय योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर जिला प्रशासन द्वारा पूरी व्यवस्था की जा रही है। वहीं बढ़ती गर्मी की वजह से योग करने आई स्कूली छात्रा की अचानक तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने की काफी देर तक छात्रा की किसी ने सुध नहीं ली। आनन फानन में डॉक्टर की टीम छात्रा को अस्पताल लेकर गई, जिसका उपचार किया जा रहा है। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए एसडीएम अंबाला ने बताया कि इस कार्यक्रम में लगभग 3000 लोग हिस्सा लेने वाले हैं और तैयारी पूरी कर ली गई है। योग के दौरान स्कूली छात्रा की बिगड़ी तबीयत को लेकर एसडीएम ने कहा कि उसका उपचार किया गया है और ग्राउंड में व्यवस्था पूरी की जा रही है। आज हमारी सुबह सुबह मैराथन दौड़ थी, उसके में लगभग 500 के लगभग बच्चों ने भाग लिया है और बहुत ही अच्छा बच्चों का उत्साह है और हमारी पूरी तैयारी है। लगभग पूरे प्रोग्राम में 3000 के लगभग लोग पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें स्कूली बच्चे भी हैं, कॉलेज के भी हैं, आईटीआई से भी हैं और हमारी समाज सेवी संस्थाएं एनजीओ भी है, भारत विकास परिषद है, पंतजलि है और कई संस्थाएं। लोगों में पूरा उत्साह है और हमारी प्रशासन की पूरी तैयारी है। सर, कुछ बच्चों की आज तबीयत भी बिगड़ी है, तो स्वास्थ्य विभाग को किस तरह? हाँ, स्वास्थ्य विभाग को हमने अलर्ट कर रखा है, डॉक्टरों की ड्यूटी लगा रखी है। आज भी आपने देखा उसी टाइम एम्बुलेंस की गाड़ी, उनको तुरंत उपचार हमने शुरू करवा दिया। कल भी ये फाइनल, जिस दिन 21 तारीख हमारा जो प्रोग्राम फाइनल प्रोग्राम है, उस दिन भी ये व्यवस्था पूरी रहेगी। पार्किंग के लिए अंदर पार्किंग के लिए व्यवस्था हमने करा दी है। कल पार्किंग दोनों साइड में, आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहते हैं, हम दोनों साइड रास्ता रोकेंगे। इधर डीएवी स्कूल है, उसके अंदर हमने पार्किंग की है, उधर दूसरी साइड पुलिस लाइन में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसलिए लोग अपने साधन वहीं खड़े करके अंदर आए, ताकि ये मेन रोड है जो खुला रहे, क्योंकि बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट लोग करेंगे। 3000 से ऊपर लोगों में बड़ा उत्साह है, तो पार्किंग की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने पूरी व्यवस्था कर ली। पानी वगैरह के लिए पानी की व्यवस्था भी करा दी गई। हमने सामने देखो टैंक, अभी भी हमने पानी के कैंपर रखे, कल परसों भी पूरे पानी की प्रबंध रहेगा।